जिला हमीरपुर में त्योहारी सीजन के चलते शहर से कहीं बाहर पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त ने प्रशासन व दमकल विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री शहर में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग को भी दुकानों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। उन्होंने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मिठाइयों के नियमित तौर पर त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपल लेगा तथा जाँच के लिए कंडाघाट लैब भेजेगा। जिला प्रशासन के द्वारा आम जनता को सहूलियत देने के लिए बाजार में 10, 11 व 12 नवंबर को वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी। पुलिस, अग्निशमन वाहनों, गैस और दूध के वाहनों तथा कूड़ा उठाने वाले वाहनों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पटाखों की दुकानें यहाँ पर सस्ती हैं, उसके एंगल से सभी तरीके से अलग अलग विभागों ने जो कार्रवाई करनी है उसके निर्देश सभी विभागों को दे दिए गए हैं। इसी क्रम में जो पीक डेज हमारे होंगे दिवाली के वाले 10, 11, 12, उस पीरियड में हमने जो मेन हमारा मार्केट एरिया है उसको नो व्हीकलर जोन भी हमने डिक्लेयर किया है, सो दैट जो लोग आएँ उनको इनकन्वीनियंस ना हो। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है उनका फूड एंड सेफ्टी विंग है, उनको निर्देश दिएगा कि जाएं वो जहाँ पर मिठाइयों की दुकानें हैं और सब सामान बिक रहा है वहाँ पर वो सैंपल उठाएं, देखें कि कहीं नकली या मिलावटी सामान तो नहीं बेचा जा रहा है।